दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे लेंस में यूज होने वाले फॉर्मूला के साथ जो साइन हम यूज करते हैं, चिन्ह परिपाटी। उसके बाद हम देखेंगे लेंस की आवर्धन क्या होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र यादव, आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉर्मेशन। दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं लेंस सूत्र के साथ। इसके साथ लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। क्लियर दोस्तों, हमने देख रखा है, इससे पहले हमने मिरर्स पढ़े थे, मिरर्स में हमने देखा था। पहली चीज तो दोस्तों यहां पे हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है, हमारे सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है डेरिवेशन, इसलिए हम डेरिवेशन पे चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल चर्चा करेंगे सूत्र पे और उस सूत्र में जो साइन यूज करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। यह है लेंस के लिए, इसके लिए दोस्तों लेंस के लिए। इससे पहले हमने मिरर्स पढ़े थे, वहां मिरर्स के लिए होता था 1/f = 1/v + 1/u, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और माइनस का। ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जब भी फॉर्मूला हम किसी न्यूमेरिकल्स को लगाने में यूज करेंगे तो जो f, v और u का मान है, जिसकी वैल्यू है, वो हम विद साइन रखेंगे। क्या करेंगे? विद साइन रखेंगे। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, साइन को देखने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं इधर। अगर आपने इमेज फॉर्मेशन नहीं देखा है तो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर हम ध्यान देते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस में। किस पे? उत्तल लेंस पे। ठीक है, उत्तल लेंस पे हम देखा, हमने पहली चीज तो ये देखते हैं कि एफ क्या है, बी क्या है और यू क्या है। दोस्तों हमें पता है लेंस में, इसको बोलते हैं पोल, इसको मतलब ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लिखते हैं एफ से। लेंस में इसको हम प्रकाशिक केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और पोल हम किसमें बोलते हैं? पोल बोलते थे मिरर्स में। ओके ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से पहले फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। और जो होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से लिखते थे उधर हम, किसमें? मिरर्स में। यहां पर हम लिखते हैं 2f से। किससे बच्चों? 2f से। 1 लिखा हुआ तो 2f1 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सेम वे इस साइड भी क्या होगा? f2 and 2f2। ये डिस्टेंस होगी f और ये डिस्टेंस होगी 2f। क्लियर दोस्तों, इतनी चीज क्लियर। हमेशा याद रखना दोस्तों, जहां पर भी उत्तल लेंस होगा, क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस में प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस का मतलब पहला फोकस बिंदु, ये होगा राइट साइड में। किधर? राइट साइड में हमेशा प्राइमरी फोकस होगा। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसके जस्ट रिवर्स, जहां भी कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस में जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा लेफ्ट साइड में। किधर? मान लीजिए f1 है और ये होगा 2f1। यहां पर रिवर्स कर दीजिए, f2 2f2 f1 and 2f1। बच्चों बात समझ में आई? प्राइमरी फोकस की डेफिनेशन क्या है ये मैं पिछले बता रखा हूं। क्या होता है प्राइमरी? जो मेन एक्सिस के पैरेलल किरणें आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर, हमने पूरा पिछले वीडियो में बता रखा है। यहां पर हम केवल बात करेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। इसके बारे में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में देखने के लिए हमने ये क्यों बताया कि राइट साइड होता है प्राइमरी फोकस? इसलिए बताया कि जितनी भी चीजें राइट साइड होंगी, राइट साइड होंगी, वो सारी चीजें पॉजिटिव ली जाएंगी। यानी कि यहां से एक नई चीज हमें मिली, क्या? कि जहां भी उत्तल लेंस लिखा होगा वहां पर मुख्य फोकस को ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ में आया? जहां पर भी कॉनकेव लेंस लिखा होगा, अवतल लेंस लिखा होगा, वहां पर हम मुख्य फोकस को, एफ की वैल्यू को हम निगेटिव लेंगे। समझ में आया? अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चिन्ह परिपाटी देखने के लिए हम इधर लिखते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या लिखते हैं? चिन्ह परिपाटी, मॉडर्न वाली। ठीक है,
इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, ये है दोस्तों हमारी एक्सिस, क्या है एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, क्लियर। हमेशा याद रखना दोस्तों, जितनी भी वैल्यू ये मान लीजिए केंद्र बिंदु जो है वो है प्रकाशिक केंद्र, क्या है प्रकाशिक केंद्र, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ये, ठीक है, जितनी भी वैल्यू लेफ्ट साइड में ली जाएंगी सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इतनी चीज क्लियर। जितनी भी वैल्यू लेफ्ट साइड ली जाएंगी, सॉरी राइट साइड है, जितनी भी वैल्यू राइट साइड ली जाएंगी सारी पॉजिटिव होंगी, जितनी भी वैल्यू लेफ्ट साइड ली जाएंगी सारी निगेटिव होंगी। सेकेंड थिंग, ये है हमारी मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जितनी भी वैल्यू ऊपर होगी वो होगी पॉजिटिव, क्या होगी पॉजिटिव, और जितनी भी वैल्यू नीचे होगी वो होगी निगेटिव। बात समझ में आई दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये वाली वैल्यू किसके लिए होगी, वस्तु की लंबाई के लिए, किसकी, वस्तु की लंबाई के लिए, यानी कि वस्तु की लंबाई हमेशा किधर होगी, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जब भी वस्तु रखी होगी तो किस में ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, किस में दोस्तों, पॉजिटिव ली जाएगी। जब भी इमेज ऊपर बनेगी, इमेज मान लीजिए ऊपर बन रही तो वो किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में ली जाएगी, अगर इमेज नीचे बन रही है तो किस में ली जाएगी, निगेटिव में ली जाएगी, क्लियर दोस्तों। अगर इमेज राइट साइड बन रही है तो किस में ली जाएगी, इमेज की वैल्यू वी, वी वी क्या है, वी क्या है दोस्तों, वी है मान लीजिए यहां पर हमने रखी वस्तु और इधर गई एक किरण, आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर गई, प्रकाशीय केंद्र से एक सीधा गुजरी रे और इधर गई, मान लीजिए यहां पर कहीं बना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है आई आई डैश, दिस इज ओ एंड ओ डैश, ओ डैश को हम लिखते हैं वस्तु की लंबाई से, आई आई डैश लिखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई से, ठीक है। इस दूरी को हम लिखते हैं यू से, किससे दोस्तों, यू से, यानी कि प्रकाशी केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को लिखते हैं यू से और प्रकाशी केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को लिखते हैं वी से, क्लियर दोस्तों। यानी कि अगर राइट साइड प्रतिबिंब बनेगा तो वी का मान किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव में, इधर हमने बता दिया, क्लियर। अगर लेफ्ट साइड वस्तु रखी है तो यू का मान किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव में, क्लियर। यहां पर प्रतिबिंब नीचे है यानी कि आई आई डैश का मान किस में लिया जाएगा, आई आई डैश किस में लिया जाएगा, निगेटिव में। समझ में आया, चिन्ह परिपाटी इजी है, कोरिलेट करिए थोड़ा सा, समझ में आ गया होगा, क्लियर। अभी हम चलते हैं चिन्ह परिपाटी के बाद हम बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन में, किसमें दोस्तों, आवर्धन क्षमता में। देखते हैं दोस्तों आवर्धन क्या होता है, लिखेंगे आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों। आवर्धन का मतलब यह होता है कि लेंस की क्षमता क्या है, उसकी पावर क्या है, ठीक है। पावर क्या है दोस्तों, इसी पे एक और हेडिंग लगाते हैं, लेंस की क्षमता यानी कि पावर। लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं पी से, इसको हम बोलते हैं पी बराबर वन अपान एफ, किसी भी लेंस के लिए पी बराबर वन अपान एफ। मतलब कि यहां पर क्या हुआ, मतलब इसका यह देखना कि अगर फोकस दूरी ज्यादा हुई यानी कि फोकस दूरी बढ़ाया हमने तो लेंस का जो क्षमता होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। इसके रिवर्स करेंगे, अगर फोकस दूरी कम करेंगे तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी, क्लियर। जिस समय फोकस को हम मीटर में लिखते हैं उस टाइम पे जो पावर का यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, क्लियर। जिस समय एफ मीटर में होगा उस टाइम पे पी यानी कि पावर का जो यूनिट होगा वो होगा डायोप्टर, क्लियर बात, ओके। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं फिगर से, ओके दोस्तों। ये हमारा हुआ उत्तल लेंस, ठीक है, ये हुआ हमारा मेन एक्सिस, दिस इज एफ वन, दिस इज एफ वन इधर है, सॉरी एफ टू इधर, ठीक है। मान लीजिए फोकस दूरी इतनी थी, ठीक है, मान लीजिए फोकस दूरी F2 इधर है
और इधर मान लीजिए 2F2 है, क्लियर। इधर मान लीजिए 2F1 यहां कहीं पे, ठीक है। यहां से हम समझते हैं, मान लीजिए हमने कोई वस्तु रखी 2F1 पर, किस पर? 2F1 पर। एक किरण इधर गई, इधर चला जाएगा, एक सीधा हम भेजेंगे, सॉरी ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगा फोकस से होता हुआ, एक सीधा जब हम भेजेंगे तो ये इधर पहुंचेगा, यानी कि जो एक दूसरे को जहां पर कटेगी वो कहां पे कटेगी दोस्तों? 2F1 पर। कहां पर? 2F1 पर, क्लियर दोस्तों। यहां से हमें एक चीज मिली, क्या मिली? कि अगर हम F को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? F को बढ़ाएंगे, यानी कि F इधर शिफ्ट करेंगे तो ये दूरी क्या होगी? पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होगा? उधर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। यानी कि फोकस दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो लेंस की जो बेंट करने की क्षमता होगी, देखो ये इधर शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये कम बेंड कर पा रहा है, कम बेंड कर पा रहा है, तभी तो आगे तक किरण जा रही है। नहीं समझ पाए, फिर से देखो एक बार, इधर हटाते हैं, फिर से बनाते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये हुआ उत्तल लेंस, इधर F1, इधर 2F1, इधर F2, दिस इज 2F2, क्लियर। कोई इधर रखी हुई है वस्तु, इधर से इधर चली गई, सीधा जाते हुए इधर गई, यहां पे उसने बनाया इमेज, क्लियर। दिस इज OO डैश एंड दिस इज II डैश, क्लियर है बच्चों। ये समझो, अगर हमने फोकस को बढ़ाया, क्या किया? फोकस को बढ़ाया, देखो इधर से समझना, फोकस हम बढ़ा रहे हैं, फोकस बढ़ा रहे हैं मतलब अगर फोकस इधर शिफ्ट हुआ तो ये 2F1 का होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, पीछे शिफ्ट होगा, ये पीछे शिफ्ट होगा मतलब कि इधर भी शिफ्ट होगा, ये इधर हल्का इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि अगर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो अगर वस्तु इस बार यहां पे पहुंच जाएगी तो ये इमेज कहां बनेगी? इधर पे बनेगी। इधर इमेज बनने का मतलब क्या हुआ? देखो क्या मतलब हुआ, वस्तु की लेंथ हमने उतनी ही रखी, लंबाई उतनी ही रखी, यानी कि ये इसके पैरेलल ही जा रही है किरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल ही जा रही है, लेकिन इस बार ये बेंट कम कर पा रहा है, किरण को कम बेंड कर रहा है। देखो किरण कम बेंड कर रहा है, देखो पहले इतना ज्यादा बेंड कर रहा था, अभी कम बेंड कर पा रहा है, समझना है? फिर लेना थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। अगर सोचो इसको हम कम कर दे, F1 इधर ही कर दे, F2 इधर कर दे, अब वस्तु इस जगह पर रख दे और ये F2 इधर हो जाए और 2F2 इधर हो जाए, तो क्या होगा? ज्यादा बेंट करेगा। अगर इधर ही वस्तु रखेंगे तो ये ज्यादा बेंट करेगा, यानी कि अगर फोकस दूरी कम करेंगे तो वो ज्यादा बेंट करेगा किरण को। ज्यादा बेंट करने का मतलब ये हुआ कि इसकी क्षमता ज्यादा है। बात समझ में आई यहां से? कोई चीज समझ में आई यहां से? क्लियर है इतनी चीज? ये हुआ हमारी बात किसकी? लेंस की क्षमता की, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम बात, आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब दोस्तों ये है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है, मैग्निफिकेशन होता है II डैश बटे OO डैश। एम से इसको डिनोट कर देते हैं, इससे एम से II डैश बटे OO डैश, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, क्लियर। लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्निफिकेशन कहते हैं। समझ में आई बात? क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसका एक रिलेशन होता है वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी के साथ। क्या होता है? II डैश बटे OO डैश बराबर V/U। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इसका, ठीक है। क्या होता है? II डैश बटे OO डैश बराबर V/U। मिरर्स में याद रखना, मिरर्स में क्या होता है? मिरर्स में होता है II डैश बटे OO डैश बराबर -V/U फॉर मिरर्स, क्लियर। मिरर्स में क्या होता है? केवल माइनस लग जाता है और इसमें माइनस नहीं लगता है। समझ में आया?
मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब ही क्या होता है? मतलब यह होता है कि उसको कितना मैग्निफाई कर पा रहा है, कितना मैग्निफाई कर पा रहा है। यानी कि अगर जरा ये सोचो, ये सोचो वस्तु की जितनी लंबाई है, वस्तु की लंबाई मान लीजिए 2 है, कितनी है? 2 है वस्तु की लंबाई। अगर वस्तु की लंबाई 2 है और उसने जो इमेज बनाई, उसने जो इमेज बनाई वो बना दिया अपने से बड़ी, यानी कि 3 लंबाई की, कितनी लंबाई की? 3 लंबाई की। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1.5। कितना? 1.5। यानी कि m इज ग्रेटर देन 1, m का मान 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब से छोटी है, प्रतिबिंब से छोटी है। कब? जब m का मान ग्रेटर देन 1 होगा तब। समझ में आया कहां से आ रहा है? मैंने फील दिया ना बिल्कुल, ओके फील लेना है। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। क्लियर बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके उल्टा सोचो, अगर वस्तु की जो इमेज है, मान लीजिए वस्तु की लंबाई थी 2, वस्तु की लंबाई कितनी थी? 2, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो आई 1.5। कितनी आई? 1.5। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे 1.5 अपॉन ये ओ डैश का मान आया 2, काटेंगे 5 × 15, 5 × 20, 3/4। यानी कि क्या है? 1 से कम है। कितना है? 1 से कम। यानी कि जब m का मान 1 से कम होगा तब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। कब? जब m इज लेस देन 1, जब m इज ग्रेटर देन 1, एट दैट टाइम द लेंथ ऑफ द इमेज विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। v का मान जैसे जैसे आता है तो हमें ये वहां से पता चलेगा कि अगर v का मान पॉजिटिव आया तो राइट साइड बन रही है, अगर v का मान निगेटिव आया तो इमेज लेफ्ट साइड बन रही है। क्लियर इतनी बात? ये पूरा हुआ हमारा कोर कॉन्सेप्ट। क्लियर? इसके बाद हम करेंगे लाइट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल, सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।